गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी न्यूज़। और पहले ही सबको हैप्पी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज रात होने वाली है WWE इंडिया सुपरस्टार स्पेक्टाकल शो, और उसमें क्या क्या चीज़ें WWE ने अब तक एडवर्टाइज किया है, और क्या एज हमें रॉयल रंबल जीतती हुई दिखाई दे सकते इस साल, और भी काफ़ी सारे न्यूज़ एंड न्यू अपडेट्स ऑन रॉयल रंबल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज रात 8:30 बजे होने वाली है WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल ऑन सोनी वन। तो मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि इसको मिस मत कीजिए, शो आराम से देखिए और एंजॉय कीजिए। और WWE ने इस शो के लिए जो मैचेस अनाउंसमेंट किए हैं वो फिन बैलर वर्सेस गुरीराज, दिलशेर शैंकी, जायंट जंजीर, रे मिस्टेरियो, रिकोशी वर्सेस डॉल्फ जिगलर, किंग कॉर्बिन, शिंसुके नाकामुरा एंड सुजारो। इसके बाद एजे स्टाइल्स भी आज हमें दिखेंगे, और एजे स्टाइल्स का मैच होने वाले इंडिया के बॉय जीत रामा के अगेंस्ट। इसके अलावा WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर टीम अप करेंगे इंदु शेर के साथ, और उनका मैच होगा रिटर्निंग जिंदर महल एंड द बॉलीवुड बॉयज के साथ। तो काफ़ी हाई फ्लाई सुपरस्टार यहाँ पर आ रहे हैं WWE के, और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया मैचेस यहाँ पर अनाउंस है। तो ज़रूर आप इंजॉय कीजिए शो आज रात 8:30 बजे। शो में क्या क्या रिजल्ट्स होंगे या उन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या इसके स्पॉयलर्स हैं एंड रिजल्ट्स। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं एज के बारे में। तो एज इज़ द ओनली सुपरस्टार जिन्होंने 90s के रॉयल रंबल में भी पार्टिसिपेट किया था, 220,000 के रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट किया था, 2010 के दशक में भी परफॉर्मेंस किया था, और 2020 के रॉयल रंबल में भी थे। मतलब 4 दशक से एज रॉयल रंबल में है। इस हफ्ते भी हमें एज रॉयल रंबल में दिखेंगे। को क्या एज इस साल के रॉयल रंबल जीतने वाले हैं? तो ड्रू मैकइंटायर के लिए अगर बढ़िया अपोनेंट चाहिए रसल में तो मुझे लगता है एज को WWE ज़रूर एक बड़ा पुश देंगे, क्योंकि एज अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, आज भी उनके प्रोमो से ही लगा। तो लेट्स सी क्या एज हमें जीतते हुए दिखाई दे सकते इस साल के रॉयल रंबल एंड रसल मीनिया में उनको मैच मिलते हैं ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ। और एज के साथ सर आज रॉ में बहुत सारे और भी सुपरस्टार ने पर अपने अनाउंसमेंट कर दिया फॉर द मेन्स रॉयल रंबल। जैसे जॉन मॉरिसन ने अपना अनाउंसमेंट किया, मुस्तफा अली ने अपना अनाउंसमेंट किया, और टेरिफिक वॉरियर शेमस ने भी अपना अनाउंसमेंट किया फॉर द मेन्स रॉयल रंबल 2020। और इसके बाद WWE ने इस हफ्ते रॉयल रंबल के लिए चार्लिट फ्लेयर एंड आस्का वर्सेस नाया जैक्सन साइना ब्लेजर का फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स के लिए अपना मैच फिक्स कर दिया है। तो लेट्स सी क्या चार्लिट फ्लेयर एंड आस्का पर रिटर्न कर पाते। मुझे तो नहीं लगता कि रिटर्न कर पाएंगे, क्योंकि अगर WWE को रेसलमेनिया में करना है आस्का वर्सेस चार्लिट फ्लेयर, तो उसका मतलब कि स्टार्टिंग इस हफ्ते से ही स्टार्ट हो जाए। तो लेट्स सी आगे WWE का क्या प्लान्स रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आज की लास्ट यहाँ पर स्टोरी के बारे में, जो कि आ रही WWE बैकस्टेज के बारे में। तो WWE का जो बैकस्टेज शो था वो इस हफ्ते वापस से स्टार्ट होने वाला है, और वो स्टार्ट होगा सैटरडे नाइट को, मतलब रॉयल रंबल से लास्ट पहले दिन से। तो यहाँ पे हमें अनाउंसमेंट करेंगी WWE की मेंस रॉयल रंबल में 30th नंबर पे कौन सा सुपरस्टार आएगा, एंड वुमेंस रॉयल रंबल में नंबर 1 एंड 2 एंट्रेंस कौन कौन से सुपरस्टार्स की होंगी। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होंगे, और मुझे पता है बहुत सारे फैंस भी डिसअपॉइंटमेंट होंगे, क्योंकि पर WWE नंबर 30 एंट्रेंस इन द मेंस रॉयल रंबल कैसा अनाउंसमेंट करते कर सकती शो को, मतलब शो के हाइप बनाने के लिए आप रॉयल रंबल ही बिगाड़ रहे हो। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें WWE अनाउंसमेंट करती है अपने वीक्स। तो गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने अपडेट्स थे मेरे पास, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।